महंगा हुआ, उससे पहले आप कह रहे प्याज कितना महंगा हुआ, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, चावल की कीमत दुगनी कैसे हो गई, इस बात की बजाय बात हो रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार शाम को करना है या सुबह करना है। गवर्नमेंट का सारा फोकस डिस्ट्रैक्ट करने पे है, डिट्रैक करने पे है कि गवर्नमेंट अटेंशन बदल दे, गवर्नमेंट लोगों की तवज्जो बदल दे। तवज्जो बदलने के लिए गवर्नमेंट गैर कानूनी हरकतें कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पे आज मुस्लिम लीग नून के सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें फरिश्ते वोट डालेंगे, हमें जिताने वाले जिता देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ उम्मे हरीम से कि जनाब आप आके टीवी पे बताएं कि आपके बिहाफ पे जो लोग कह रहे हैं कि हमने हमारी जगह पे वोट उन्होंने आके डालना है, हमारी जगह पे दांधली उन्होंने करनी है, हमें उन्होंने जिताना है, और उनका वर्कर हर गली मोहल्ले में कह रहा है, तो कोई यहाँ पे उसकी वजाहत करेगा या नहीं करेगा? कोई उसकी वजाहत करेगा या सिर्फ इमरान खान की बात करते रहोगे? दूसरा, कल फवाद चौधरी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, सुबह 5:30 बजे गिरफ्तार किया गया, 11 बजे तक दोनों हाथों पे हथकड़ी लगी हुई थी, और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया कि किसी को मुंशी कह दिया। मुंशी कहने का इतना नाराजगी, भाई अगर आपने सिंध वाले इलेक्शन करवाए, सिंध में अगर 22% लोग बिला मुकाबला जीत जाएं, कराची में जहां पीपल्स पार्टी 15 बंदों का जलसा नहीं करती कर सकती वहां वो जीत जाए, तो कोई ना कोई तो आपको मुंशी बोल ही देगा। 23 करोड़ लोग हैं, किस किस का मुंह को पकड़ोगे? कोई ना कोई तो मुंशी बोल देगा, बार बार लिख देगा, बार बार बोल देगा। अगर आप पर्सनल एजेंडे के बगैर कोई काम ना करो, कोई आपको ईमानदार कैसे बोल दे, कोई आपको अच्छा कैसे बोल दे? और फिर जो लास्ट बात मैं करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले पुराने दौर में वारदात कोई और डालता था, भुगतती पॉलिटिकल पार्टीज थी, आज वारदात कोई और डाल रहा है और भुगत रहे हैं वो लोग जिनका नाम इस्तेमाल हो रहा है कि जनाब वो आके फरिश्ते वोट डालेंगे, फरिश्तों वालों पे इल्ज़ाम जा रहा है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये नून कर रही है या आप कह रहे नकवी कर रहा है या पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन सीधा ध्यान जा रहा है न्यूट्रल्स पे, सीधा इल्ज़ाम जा रहा है न्यूट्रल पे। अगर इस तरह अवाम के पसंदीदा लीडर जिसको 70% से लोग ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, जिसको 70% से ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, उसको अगर उसके मुकाबले में 0% वाला शहबाज शरीफ, 1% वाला बिलावल वो ला के ऊपर बिठाओगे, तो आप समझें 23 करोड़ लोग गूंगे हैं, बहरे हैं, बोल नहीं सकते, बुजदिल हैं, डरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, ना ये गूंगे हैं, ना ये बहरे हैं, ना इनका दिमाग ख़राब है। इनको पता है कि 1% वाले को 70% वाले पर तरजीह कौन दे रहा है। लिहाजा जिस बंदे से सारी कौम की उम्मीदें ख़त्म हो गई, जो एक जोकर से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो इंटरनेशनली आपके पास इंटरनेशनली आपके लिए एम्बैरसमेंट बन गया, उसको जहाँ से लाए थे उसे ले जाना आपकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। ये गंद आप लाए थे, इस गंद को वापस ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह सफाई करने वाले लोगों का डाला हुआ गंद साफ करते हैं, आप कम से कम अपना डाला हुआ गंद ज़रूर साफ करो, अपना डाला हुआ गंद ज़रूर साफ करो। अगली बात, कहा जा रहा है कि आज मेरी बारी है गिरफ्तार होने की। सर अगर इमरान रियाज पीछे नहीं हटा, अरशद शरीफ पीछे नहीं हटा, स्वाति पीछे नहीं हटा, चौरी फवाद दोनों उंगलियां खड़ी करके मुस्कुराता है, आपसे जमील फारूकी पीछे नहीं हटा, एक भी साफी अपना मौकफ नहीं अगर बदला, फिर भूल जाओ इस बात को कि 23 करोड़ लोग अपना मौकफ बदल लेंगे। जब शेख चीमा बदल लेगा? मैंने अपना मौकफ नहीं बदलना। मैं कहता हूँ मेरा मुल्क वोट से बना था, ये ना किसी के बाप ने फतह किया था, ना किसी के बाप ने खरीदा था, ये वोट से बना था, इसके फैसले वोट से होंगे, इसके फैसले वोट से होंगे। इजमाई दानिश फैसला करेगी, इजमाई दानिश जो फैसला करेगी वो यहाँ चलेगा। दो बंदे चार बंदे बैठ के फैसला नहीं करेंगे, वो जाति उम्रा में बैठे हों या बिलावल हाउस में बैठे हों या किसी और बिल्डिंग में बैठे हों।
कमरों में बैठे हुए लोगों का फैसला नहीं माना जाएगा, फैसला वोट की पावर, वोट का बॉक्स करेगा। लिहाजा हमें मजबूर ना करें, अवाम के सामने खड़े ना हों। मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है, सजेशन देनी है। 29 तारीख को मेरे बेटे की शादी है, आज से शुरू हो रही है। अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो मुझे बता दें, मैं 29 की रात को आ जाऊंगा। शादी मुझे भुगता लेने देना, अगर इतनी भी इजाज़त नहीं तो बाकी बता दें कहाँ आना है। हम ना भागेंगे, ना हमारी कहीं जायदादें हैं, ना हमने वीज़ा लगवाए हुए हैं। इस मिट्टी का पानी पिया, इस मिट्टी का रिज़्क खाया है, जो कुछ है यहाँ पे है, यहीं रहेंगे। रूल ऑफ लॉ लाए बगैर, हकीकी आज़ादी हासिल किए बगैर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। या फतह हासिल करेंगे या इस राह में कुर्बान हो जाएंगे। 23 करोड़ लोग इस बात पे आ गए, या फतह हासिल करेंगे या इस राह में कुर्बान हो जाएंगे। ये जिद्दोजहद है, ये हमारे लिए जिहाद है। आज कहीं जंगे बदर नहीं लगनी, आज कहीं जंगे उहद नहीं लगनी। आज हमने सड़क पे खड़े होकर गवाही देनी हक के लिए। खाली हाथ होंगे, हक के लिए गवाही देंगे, हाथ खड़ा करके गवाही देंगे। उस वक्त तक देते रहेंगे जब तक हक बात हक जो है गालब नहीं आ जाता। जाल हक को वज़हकल बातल इन्नल बातल कान ज़हूका। जब हक आता है तो बातल चला जाता है, बेशक बातल जाने के लिए ही है। हम नवाज शरीफ को, जरदारी को, फजल रहमान को बातल समझते हैं, उनके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। जिद्दोजहद की कामयाबी तक पीछे नहीं हटेंगे। आपने गिरफ्तार करना है, 29 को कर लेना। अगर बहुत ज़रूरी है तो पहले, बहुत मजबूरी है तो पहले ही बता देना, आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कौन सा मुझे तो नहीं याद कभी हमने कहा हो। हम तो कह नहीं, नहीं किसी का, किसी सोशल मीडिया कौन है, वो तो अब हम है। बात पार्टी की करें, पार्टी के तर्जमानों की बात करें, हम सिंपल कहते हैं कि साथ होने की मुहालफ होने की ज़रूरत नहीं है। साथ होने की मुहालफ होने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में वन वोट वन मैन वन वोट, इतनी ही स्टेक से सारों की, इतनी स्टेक ही इस्तेमाल करें। जिस बंदे के जितने वोट हैं उतना उसका वज़न है, वही उसे इस्तेमाल करें, उससे बढ़ के फैसला साजी में ना आए। थैंक यू वेरी मच।